हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन वीडियो। आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ 4 मिनट द सीरीज को, और जिस सीरीज का मुझे 4-5 महीनों से इंतजार था। नाउ दिस इज गोइंग टू बी जस्ट रिएक्शन वीडियो। जैसे हम यहाँ पे सिर्फ बकचोदी पहनने वाले, ओनली बकचोदी, बिकॉज जैसे तुमने लास्ट वाले वीडियो पे जैसे देखा था लाइक दैट। एंड दिस इज गोइंग टू बी नथिंग सीरियस, दिस ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई आई डिसाइडेड टू रिएक्ट ऑन दिस सीरीज, मैंने कुछ महीने पहले टीजर देखा था दोनों का भी, जेस्का और बाइबल का भी। एंड आफ्टर वॉचिंग दैट टीजर, मैंने डिसाइड कर लिया कि इस सीरीज को अब तो रिएक्ट करना ही है। ओके, सो आई जस्ट डिसाइडेड, चलो ये सीरीज अगर हम देखेंगे तो रिएक्ट करने के साथ साथ देखेंगे। अगर तुम्हें बीएल पसंद नहीं है तो यार इस वीडियो पे टाइम पास मत करो, जस्ट यूटिलाइज योर टाइम इन समवेयर एल्स। जब मैं ये सीरीज देखते थे रिएक्ट करूँगी, वी विल जस्ट एंजॉय टुगेदर। ओके, सबसे पहले बात तो अपने को कुछ पता नहीं सीरीज में होने क्या वाला है। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर टू वॉच दिस। आई विल नॉट जज इट, आई विल नॉट जज एनी कैरेक्टर, आई एम नॉट एनी, मैं किसी कैरेक्टर के साइड पे भी नहीं हूँ, और आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम द सीरीज। ओके, एंडिंग का तो कत ही एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही है। ओके ओके गाइज, सो इफ यू आर रेडी, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, MV4 आ जा भाई, तेरा ही इंतजार है। वॉल्यूम फुल, क्या इसको वैसे रखने का है? हाँ, मैं स्टार्टिंग बड़ी खतरनाक है यार इसकी। ओह माय गॉड, मैं थोड़ा सा सुबह ही देख लिया था। ओके, मम्मी भैया, हाउ आर यू, कैसे रिएक्ट करेंगे भाई इसको? डिश क्या हो, आओ पुल दिस इमोशंस आउट। अब चाहे अब तो कौन सी भी सीरीज अगर हम देखें, पहले 3 एपिसोड्स कुछ भी लगता नहीं सीरीज के बारे में, जब चौथा एपिसोड शुरू हो जाता है तब से चीज़ें शुरू होने लगती है। ओके, कौन है? बाइबल? ये ऐसी कॉलेज स्टूडेंट होता है राइट? पहली बात, आई एम रियली हैप्पी टू सी बाइबल हियर, सीरियसली। मुझे हमेशा से उसकी ग्रेसफुल साइड देखनी थी। वाओ, कूल कार। वाओ कार है, मिक ट्रेलर में देखी थी। हो इतनी फास्ट क्यों चला रहा था? ओ उधर ही है। अरे बाप रे, वो उधर की उधर ही है। तुम्हें 4 मिनट आगे चला गया था ना? धीरे यार, स्लो स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन, हड़ू हड़ू हड़ू। ए बाबा बाय बाय, ए ए ए ए धीरे चला भाई, धीरे धीरे चला ना, धीरे चला ना, धीरे चला ना। वो खुद ही आ गई, अरे वो खुद आ गई थी भैल, चलो खुद वो। अब फंस गया, ये जॉब होता है ना? भागो भागो भागो, पेशेंट आ गया। ओह यस यस यस।
वाह यार, बड़ा प्रोफेशनल है ये। अब तुमसे सिनेमेटोग्राफी दे सेट। आइस राइट। ओ आ आ मैंने देखे मेरा बुखार ही भाग गया। अरे फैन लगाने की जरूरत है। हाउ दे कैन बी सो हॉर्नी एंड क्यूट एट द सेम टाइम? क्योंकि तो 4 मिनट आगे चला गया। सपना था, सपना था, सपना था। बाप रे, ओ भाई, इसको फिर से चक्कर आ गया। ये मैं भी कैरेक्टर है ना, टीम टाइमिंग जैसे हर बार अपने मोबाइल में होता है। ओ 13 14 भाई उधर ही खड़ा है। Once again, job is so playful here, yeah. Same. Oh. कमाल का था भाई फर्स्ट एपिसोड। ऑसम, रियली कूल, सो गुड, मस्त। वाह, मेरे को ना एक डाउट है। आई जस्ट होप कि कॉर्ड और टोकला के साथ लास्ट में कुछ गलत वगैरह ना हो, बिकॉज एवरी टाइम दिस हैपन्स, जब भी अपने को एट द फर्स्ट टाइम कोई पेयर अच्छा लगता है, पसंद आता है, दैट और उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है लास्ट में, राइट? आई होप ये ना हो लास्ट में। बस कूल था भाई फर्स्ट एपिसोड, डैम वाओ। उसने वो वहां रखे ना, तो उस वहां कैसे आए ब्रो? बाप रे, वाह 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 वाह, चूतिया, डैम। अरे फिर से पीछे चला जाएगा ये। कम ऑन डूड, यस, भागले 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 भागले। हाय।
हेलो निकल गया ना सर पे कैसे देख रहे हो उसकी तरह ब्रो यार ब्रो यहाँ से कहानी शुरू। ये वाला डॉक्टर तो गप्पे ही नहीं मारता। अच्छा वो ना टाइम पे पहुंच गया। म्यूजिक बड़ा अच्छा लगा था यहाँ पे। दे रहे दे रहे दे रहे ये म्याओ म्याओ हाय। पक्का इसने क्रैश किया होगा पक्का। इस बार ना बास किन के वाइब्स दे रहा है। वाओ आई थिंक सीरीज इज गोइंग टू बी सैड एनीवे। शायद लगता है भाई मेरे को द इमोशंस ऑफ ए क्राइस्ट ड्यू कमाल के लगा था इसने क्रैश कराए। ब्रो इज ही जेस देयर? जेस तो नहीं ही इज वो वही ब्रो ही इज सीरियसली ओह माय गॉड। भाई सेकंड एपिसोड में ही इतने सारे सरप्राइजेस हैं आगे क्या होगा पता नहीं। ओके गाइस अब दो एपिसोड्स हो चुके हैं जिसमें कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था। नाउ वी आर वॉचिंग थर्ड वन और यहाँ पे कुछ तो अलग हो एटलीस्ट। ओके तो पे अटेंशन टू द टाइमिंग। ओके टाइमिंग ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है यहाँ पे। ये 1:01 टाइमिंग द अटेंशन टू द डिटेल्स भाई वाओ। इसको 11 बजे से सबसे ज़्यादा डर लगता है ना। ओ भाई तुमने देखा भी 9:30 डैम ओ इसको क्यों हमेशा 11 दिखते बाप रे वो भाई। थोड़े डरावने वाले एलिमेंट्स है ना इस एपिसोड मतलब सीरीज में ऑब्वियसली। उससे ज्यादा ना टाइमिंग डराती है भाई। बॉल 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 भी टाइमिंग देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई। अरे भाई सब चले गए वो उधर ही बैठा है। अब घड़ी को घूरने से का टाइम बदलने वाला। 11 बज गए 11 बज गए 1 मिनट टाइम तो उसे बदला हुआ दिखा ही। अब क्या मैसेज भी बदला हुआ ही दिख रहा है। फिर से देखते हैं कैन यू फॉरगिव मी व्हाट द फक। अरे किससे मिलने गया भाई। ओफ अरे जस्ट कमिंग इवनिंग एंड देन ओ फिर से शिट फिर से भाई। कितने कितने टाइम टाइम व्हाट वाज द टाइम व्हाट वाज द टाइम 16:33 4:30 ओके। अरे बाप रे क्या दिखा फिर से इसको। उस टाइमिंग से पहले भाग ले जल्दी 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 उससे पहले भाग ले उससे पहले भाग ले भाग ले भाग ले भाग ले भाग ले
हाँ ओके और सिर्फ यही अकेला फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता है, बाकी किसी को कुछ नहीं समझ में आता। उसका जवाब तो सबको भी मिल नहीं रहा है भाई। ही इज बीइंग इरिटेटेड विद दिस शिट। ये फ्यूचर में जाके वापस भी आता है भाई, ओनली विद इन 4 मिनट्स। ये तरह सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं यार? और तू पहले ही उसका बता रहा है कि तूने मुझे डिनर में बुलाया। 11.1, दैट्स स्केरी। देन अकेले में ऐसा होता है तो अपने यहाँ अगर ऐसा होता ना तो किसी बाबा को ही बुलाते। चीयर्स। इफ दैट समथिंग सुपर नेचुरल तो एक साइकियाट्रिस्ट कैसे सॉल्व जा सकता है उसको भाई? ग्रेट के सिम्टम्स ना मतलब उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है जब जब इन मतलब एज पर द नॉलेज अगर इंसान मरते दम तक होता है और उसे फ्यूचर की अजीब और गरीब चीज़ें दिखाई देती है जो कभी हुई नहीं वगैरह, दैट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट। उसका कोई मतलब पता नहीं है कि यार एंडिंग क्या हो सकती है ब्रो। लाइक ओ प्लशीज लेने ऑलरेडी ऑन अ डेट। ब्रो हाउ ब्यूटीफुल इट इज शोन यार। फ्यूचर सीरियसली सीइंग इनटू द फ्यूचर बंदे। ही इज फैंटासाइजिंग। एज पर द रूल जिस केस से छुपाया जा रहा है वो उसी केस के पीछे भागने वाला। After doing all that, they are all being cutie cutie बोल रहे। बाकी कुछ नहीं रे भाई, मुझे टाइमिंग से ना सबसे ज्यादा डर लगता है रियली। टाइमिंग shown here is the most horror way possible, ठीक है? वो सबसे डरावनी चीज है सीरीज में, बाकी कुछ नहीं है उसके सामने। वाह भाई, ऐसा बियर देखने की ना हमेशा से इच्छा थी सीरियसली। कौन देख रहा है उसको? लो भाई धमकी आनी भी शुरू हो गई उसे तो। फिर से 11 बज गए, फिर से 11 बज गए। गाना तो क्या मस्त लगा रहे। आह वाइब वही याद आ रहा। और दोस्त प्लशीज। क्या भाई, कभी 4 बजते कभी 11 बजते। ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स। पहले गलत टाइम दिखा देती थी, अब तो अटक गई। दैट वाज क्रीपी एज फक। अरे शिट, अरे यार कौन है? ए भाई ये जेस तो नहीं। बाप रे, वो बाप रे, डैम। नो 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 शिट, इतना बड़ा सरप्राइज, बाप रे। मैंने ना ऐसे एक एक्सीडेंटली एक रील देखी थी इंस्टा पे, उससे ये बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। ओके अभी तक 3 एपिसोड्स देख लिए मैंने सीरीज के, शुरुआत से लेकर के सीरीज काफ़ी मस्त है रियली। इट्स वेरी वेरी ऑसम, मतलब मेरे लिए काफ़ी एंटरटेनिंग थी। ओके सीरीज का कौन सा भी पार्ट नहीं है जो कि मुझे पसंद वगैरह नहीं आए। इट्स सो वेल डन। सिंपल सिंपल वाले मोमेंट्स ना एकदम अपन के एक्सपेक्टेशंस कुछ एक होते हैं और वो कुछ उसके कैमरा एंगल से कुछ अलग दिखता है, राइट? और हर बार कई कई सरप्राइजिंग थी सीरियसली। टिल हियर इट वॉज ऑसम, मस्त थी। मैं अच्छी तरीके से एक तरीके से जानती हूँ कि
मतलब इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, ओके, दिस सीरीज, और सबके सब लोग नहीं देख सकते इस सीरीज को. ओके, मेरे दिमाग में क्यों आया कि चलो, बिकॉज बस टीजर की वजह से, टीजर इज द ओनली रीजन मैंने आई डिसाइडेड टू वॉच दिस सीरीज एकदम फ्रीली, एकदम देखते. आपने आप पसंद भी आ गई भाई, क्या कमाल की सीरीज थी ब्रो, दैट वाज ऑसम रियली. अगर तुमने भी अभी तक अगर देखा हो, देखी होगी सीरीज, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की कैसी कैसी लगी आपको, और जस्ट कमेंट एनीथिंग. मैं आई एम नॉट जजिंग एनीबडी, और मैं किसी सीरीज के कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर को भी कोई जज वगैरह नहीं कर रही हूँ. ओके, नॉट नो बडी. कमेंट करो यार, मतलब कोई कि तुम्हारे ओपिनियन नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे. नो, इट्स नथिंग, किसी को भी जज नहीं किया जाएगा, तुम्हारे थॉट्स को भी नहीं, किसी को भी नहीं. ओके, जस्ट टेल मी फ्रेंकली इन द कमेंट सेक्शन अगर तुमने देखी होगी तो. ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, और अगले पार्ट में मिलते हैं. तब तक के लिए सी या, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.